ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और एक बड़ी खबर जबलपुर से, जहां एक बार फिर यहां मानवता शर्मसार हुई है। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पुलिसकर्मी ने महिला से मारपीट की। महिला ने एसपी से शिकायत की है तो एसपी ने जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको दिखाएंगे, जहां मानवता शर्मसार हुई है। बड़ी खबर, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हनुमानताल थाने में पदस्थ के मेजर ने ये मारपीट मां बेटे से की थी, अनुसूचित जाति के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी विवाद क्या है अभी सामने निकलकर नहीं आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवक के ना मिलने से जबरदस्ती थाने ले जाने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने युवती और युवती की मां को बेरहमी से पीटा, जहां युवती और युवक की मां को बेरहमी से पीटा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुसूचित जाति की मां बेटी के साथ हनुमानताल थाने में पदस्थ एसपी ने जमकर मारपीट की और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मानवता यहां शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान जब पुलिस का अमला यहां पहुंचा तो किसी वजह को लेकर विरोध दर्ज किया गया, जब यहां मां बेटे की पुलिस की तरफ से जमकर पिटाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डंडों से यहां पीटा जा रहा है और ऐसे में रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। और बात महिला कांस्टेबल की जाए तो वो तो वहां तैनात है, लेकिन वो महिला पक्ष यानी कि जो पुलिसकर्मियों के का दूसरा पक्ष है, उन्हीं को रोकने की ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, पुलिस ने महिला के साथ मारपीट की है और एक बार फिर यहां मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बार फिर जबलपुर में मानवता शर्मसार हुई है और ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं भयानक है, तो ऐसे में वजह क्या कुछ बताई जा रही है? जी ऋतु जी, ये बहुत बहुत बड़ी ही बहुत एक अमानवीय घटना है। जिस प्रकार से जो पुलिस कर्मी है या मेजर है, जो एक जो एक जिम्मेदार अधिकारी के पद पर होते हैं, और उन्हीं के द्वारा अगर किसी महिला को थप्पड़ मारा जाए या डंडे से मारा जाए, तो एक बड़ी इसी मामले को लेकर आज पूरे जो मराठ टिकरी एक एरिया है, हनुमानगढ़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ के पूरे क्षेत्रीय लोग महिलाएं एसटी कार्यालय पहुंची थी। और उनका यही आरोप था कि जो प्रेम प्रसंग के चलते लड़की और जो लड़के हैं वो कहीं चले गए थे, कहीं भाग गए हैं, उसको लेकर पुलिस सर्चिंग के लिए आई थी। जब हम लोगों ने बोला कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं है, अगर होंगे तो हम खुद पहुंचा देंगे, थाने पकड़वा देंगे, पर क्या पुलिस ने वहाँ ये नहीं देखा, उनके माँ और बहन के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। और तो दिनेश, ये जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई और या फिर किसी भी तरह का यहाँ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है और सब जब जानकारी इसकी शिकायत एसपी तक, एसपी ने तुरंत जबल एडिशनल एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। और उनका यही कहना था कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई जो के मेजर है, इसके पहले भी कई क्षेत्र में जो ऐसे गुंडागर्दी के तहत कई लोगों को मारपीट किया है। मतलब खुद पुलिस अभी अगर भक्षक रक्षा की भक्षक बन जाए तो किस प्रकार की ये कहानी होगी। मतलब अगर आपके कंधे पर एक सितारा है और जान माल की रक्षा की जो सुरक्षा की बात की जाए, और आप ही इतने महिला कॉन्स्टेबल है और वो कुछ नहीं बोल रही है, और ये जो मेजर है, इसके पहले भी कई इनके मामले आ चुके, पर अभी अब देखना ये होगा कि जांच में क्या सामने आता है। जी बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जबलपुर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। पुलिसकर्मी ने महिला की बेरहमी से पिटाई की है।